वो सामने दूसरी पॉइंट है पाए की, तो वहीं पे चलते हैं। दोस्तों ये हम खड़े हैं पाए पे, तो ये पाए लोकेशन है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन आप देख रहे हैं। ये नीचे वाली साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और फिर ये ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉप बने हुए हैं और यहाँ पे आप देख लें फूल ही फूल हैं, खूबसूरत फूल और खूबसूरत ग्रीनरी और बहुत सारा VIP एडवेंचर और यहाँ के नेचर, तो बड़े खूबसूरत व्यू है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखें बड़ी खूबसूरत। ये है खूबसूरत लोकेशन। बहुत ही खूबसूरत मंजर, दोस्तों ये है शोग्रा का सिटी तो नहीं है, पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे चलते हैं, अभी जब वापसी होगी तो वहीं पे भी थोड़ा विजिट करेंगे। और ये तो पाए है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन। नाम इसका उल्टा है, इसका सिरी होना चाहिए, पाए तो नीचे होने चाहिए, लेकिन कैसे इन्होंने नाम रखा है पता नहीं। वो सामने दूसरी पॉइंट है पाए की, तो वहीं पे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे घोड़े खड़े हुए हैं, ये सवारी को लेके जाते हैं। थोड़े से मुनासिब पैसों पे अगर कोई घोड़ों की सवारी करना चाहे तो ये उसी पे बिठा के लेके जाते हैं, या कोई बूढ़े होते हैं या कोई ऐसे बंदे होते हैं जो चल नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पे घोड़ों की और घोड़े की सवारी भी अच्छी है, खूबसूरत है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे सवार जो हैं ये घोड़े पे ही आ रहे हैं। ये दोस्तों ये टेंट लगे हुए हैं, तो ये टेंट जो है यकीनन इसमें रेजिडेंसी होती है, लोग आते हैं
इन टेंटों में रहते हैं, तो यहाँ पे नाइट स्टे भी इजीली हो जाती है। मौसम नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं है। जो बाबूसर टॉप पे ठंड थी वो तो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल मौसम है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। बंदा बाहर धूप में इजीली खड़ा हो सकता है। ठंडी हवा लग रही है, मैं चढ़ाई पे चढ़ा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो ऐसी हो गई है क्योंकि सांस फूल गई है मेरी। तो दोस्तों ये है पाए की लोकेशन, जो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी है ये लोकेशन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों ये देखें, जितना आप पीछे जाएंगे उतनी पॉइंट ज़्यादा है, बस यहाँ लोकेशन ही लोकेशन है। तो दोस्तों ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये बड़ी ख़ूबसूरत लोकेशन है। बहुत ऊंची है, पहाड़ी के ऊपर है और बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी है और ठंडी हवाएं हैं, तो इतना एंजॉय करते हैं लोग, इतना एंजॉय करते हैं कि मज़ा आ जाता है।